Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. टीम इंडिया के रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक का जलवा कायम है। अपनी तेज तर्रार गेंदों से उमरान ने बल्लेबाजों की हवाइयां उड़ा दी हैं। 150 से ज्यादा की रफ्तार से हराई गेंदों का बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। जब तक बल्लेबाज समझे, गेंद स्टंप उखाड़ देती है। 7 महीने पहले उमरान ने भारत के लिए डेब्यू किया था और तभी से उनके टीम में जगह को लेकर चर्चाएं होने लगी थी। टीम में मिले मौके का उमरान ने फायदा तो उठाया, लेकिन अभी वो ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए हैं जिसके लिए उन्हें जाना जाए। वनडे में उमरान ने 7 मैचों में 12 विकेट लिए हैं, जबकि T20 मैचों में उनके नाम 9 विकेट दर्ज हैं। उमरान के पास रफ्तार तो है, लेकिन अभी उन्हें अपनी गेंदबाजी में उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जैसी उन्हें मिलनी चाहिए। उमरान की गेंदबाजी को लेकर भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बड़ा बयान दिया है। अजहर ने उमरान को लेकर कहा है, उमरान मलिक एक शानदार गेंदबाज है, आपको इस तरह के तेज गेंदबाज आसानी से नहीं मिलते हैं। स्पीड तो सही है, लेकिन वो विरोधी बल्लेबाजों को काफी रूम देता है। जब आप विरोधी बल्लेबाजों को रूम देते हैं तो आप काफी रन लुटा डालते हैं। जब भी उमरान ने विकेट टू विकेट सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की है, उसे विकेट मिले हैं। अगर उसके स्टैट्स पर नजर डालेंगे तो उसने अपने स्पेल में 40-50 रन दिए हैं। उमरान को इस पर काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो रनों के फ्लो को कम करें, मतलब कि अगर 4 ओवर में 20-30 रन दें, तो उन्हें ज्यादा विकेट अपने नाम करने में आसानी होगी। वो अभी युवा हैं और मुझे भरोसा है कि वो काफी आगे तक जाएंगे। हाल ही में खत्म हुई श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में उमरान ने अच्छा प्रदर्शन किया। T20 सीरीज में उमरान के नाम सबसे ज्यादा विकेट रहे। 3 मैचों में 9.63 की इकोनॉमी के साथ उमरान ने 7 विकेट चटकाए। वनडे सीरीज में भी उमरान 2 मैचों में 5 विकेट लेने में कामयाब रहे और उनकी इकोनॉमी 7 की रही। पहले वनडे मैच में तो उनकी गेंद की रफ्तार 156 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। उमरान की रफ्तार ने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। भले अपने गेंदबाजी से वो थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन अगर वो अपने गेम में धीरे धीरे सुधार करेंगे तो वो भी भारत के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, खासकर इस साल होने वाले वर्ल्ड कप में। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।